गुजिया, जैसे कि हर घरों में होली पर बनाई जाती है और गुजिया से ही पूजा की जाती है, तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गुजिया की रेसिपी। जिन लोगों को बनाना नहीं आता, जो लोग हमारी तरह से बनाना चाहते हैं, वो हमारी वीडियो को देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप हमारी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको गुजिया का आटा लगाने का प्रोसेस दिखा रहे हैं। तो ये है मैदा, हमने आधी किलो मैदा लिया है। इसमें थोड़ा रिफाइंड डालेंगे जिससे कि गुजिया हमारी सॉफ्ट और बढ़िया बने। और ये हम चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं, उसमें दही नहीं डलता। अगर आप नॉर्मली गुजिया बना रहे हैं तो उसमें दही डलता है, तो इसमें सिर्फ ये रिफाइंड ही डलता है और थोड़ा सा डालेंगे हम इनो। आप चाहें तो इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर वगैरह डालकर इसे अच्छे से मार सकते हैं। तो यहाँ अच्छे से ये रिफाइंड को मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को लगा लेना है। जैसा हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से ये आटा लगा लेना है। तो ये हमारा आटा लग चुका है, इसमें हल्का सा रिफाइंड ऑयल डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद इसे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, जिससे कि हमारी मैदा अच्छे से फूल जाए। इसको ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी गुजिया का आटा हो गया सॉफ्ट, और इसको थोड़ा सा और मल लेते हैं। तो ये हमने मल कर रख दिया। अब इसकी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। जैसे गुजिया के लिए लोइयाँ तोड़ते हैं, उसी तरह से हम ये लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो हम इस तरह से ये लोई तोड़ लेंगे। पहले हम एक लंबा सा शेप बनाकर अब ये इस तरह से चिकू से कट कर लेंगे। तो ये हमारी गुजिया की लोई बनकर तैयार हो चुकी है। अब एक एक करके हम बेल लेंगे। और ये है खोआ, जो हमें गुजिया के अंदर भरना है। उससे पहले अच्छे से मसल लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए खोआ, और उसमें काजू मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से काजू और खोए को मिक्स कर लेंगे। हमें लाइट मीठा चाहिए गुजिया, जैसे क्योंकि उसमें चाशनी जब लग जाती है तो वो बहुत मीठी हो जाती है, तो इसलिए हमने खोए में कुछ भी मीठा ऐड नहीं किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हमने ओनली खोआ और काजू ही लिए हैं। और इस तरह से ये हम एक जैसे पूड़ियाँ बेलते हैं, उस तरह से गुजिया की पूड़ियाँ बेल लेंगे। और बेलने के बाद जो गुजिया बनाने का सांचा होता है, अगर आप हाथ से करना चाहते हैं तो हाथ से कर सकते हैं। और हमारे पास ये गुजिया का सांचा है। इस तरह से ये गुजिया का सांचा में पूड़ी रख कर और ये खोए की एक एक लोई सी हमने ये बना ली है, और उसमें हल्का सा पानी या रिफाइंड लगाकर आप इस तरह से ये किनोर पर लगाकर और इसे प्रेस करें, और जितनी भी ये आपकी साइड की जो एक्स्ट्रा है उसे आप हटा लें। तो देखिए कितनी अच्छी शेप भी आ जाएगी। और सबसे मेन चीज़, अगर आप पानी और रिफाइंड लगाएंगे तो आपकी गुजिया पटेंगी नहीं, वो वहीं की वहीं चिपक जाएंगी आसानी से, और आपकी पटने जैसी समस्या नहीं होगी। तो जब भी आप गुजिया बनाएं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि साइड से किनोर में पानी या रिफाइंड लगाने से गुजिया पटती नहीं है। तो ये हमारी गुजिया बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसी तरह से सारी गुजिया बना लेते हैं। तो ये हमने सारी गुजिया बना ली। और गुजिया बनाने के लिए लोई पतली होनी चाहिए, जो हम पूड़ियाँ बेलते हैं, और गुजिया बनाने के लिए थोड़ी सी मोटी रखनी पड़ती है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे हमारी चीज़ें अच्छी बने। तो ये हमारी गुजिया बन चुकी है। अब हमने यहाँ रिफाइंड भी गर्म कर लिया है। अब इनको वन बाय वन सेक लेंगे। और जो गुजिया होती है, गुजिया थोड़ी खरी सिकती हैं, मतलब थोड़ी तेज सिकती हैं, और जो गुजिया होते हैं वो हल्के सिकते हैं। जैसे ये गुजिया हमने करारी करारी सेकी, जिससे कि चाशनी में जाए तो उसका टेस्ट दुगना हो जाए। चाशनी हमने पहले ही बना कर रख ली थी, और इस तरह से ये सेक कर और ये चाशनी में डाल देंगे, और चाशनी में डिप कर करके हम लोग ये डिब्बे में रख लेंगे स्टोर करके। और ऐसे ही हमने सारी गुजिया बनाकर चाशनी चढ़ा ली। तो ये थी हमारी गुजिया बनाने की रेसिपी। आप किस तरह से गुजिया बनाते हैं, आप अपनी रेसिपी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो भी अपने चैनल पर दिखा सकते हैं। और आपको हमारी ये गुजिया बनाने की रेसिपी कैसी लगी, और ये देखने में गुजिया अच्छी लगी रही है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगी,
सबसे मेन चीज हमने ज्यादा मीठी भी नहीं रखी है, क्योंकि बाजार की गुजिया कुछ ऐसी होती है जो मुंह फिर जाता है खाते ही। हमने इस तरह से बनाई है गुजिया कि आपको भी पसंद आए और आपको बनाने में भी आसानी रहे, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हम सेकेंगे, सेकने के बाद चाशनी में चढ़ाते हुए सारी गुजिया इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये गुजिया बनाने का प्रोसेस हम आपके लिए लेकर आए हैं इस होली पर, जिससे कि आपको बनाने में भी आसानी हो और आप भी बढ़िया तरह से गुजिया बना सकें। और आप बाज़ार से ख़रीदते ही होंगे, अगर बाज़ार से ना ख़रीद कर इस होली पर आप अपने घर पर इस तरह से गुजिया बनाएं। तो ये हमारी गुजिया सिक रही हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सिक रही है और इस तरह से ये बिल्कुल बाज़ार जैसी लग रही है। अगर आप गुंजे बनाना चाहते हैं तो गुंजे बनाने के लिए भी हम आपको एक प्रोसेस आपके साथ ऐड कर देंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये गुजिया देखिए सिक कर बिल्कुल तैयार हो गई हैं, इनको भी निचोड़ लेंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, रिफाइंड को बिल्कुल जिससे भी आप सेक रहे हैं रिफाइंड या घी कुछ भी, उसे अच्छे से निचोड़ लें, क्योंकि जब ये चाशनी में जाएगा तो फिर इसकी जो चाशनी है उसमें ऑयली ऑयली पन आएगा तो वो टेस्ट बहुत गंदा सा हो जाता है। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना और बिल्कुल निचोड़ने के बाद ही गुजिया को चाशनी में डुबोना। और चाशनी गर्म होनी चाहिए और गुजिया भी गर्म होनी चाहिए, अगर दोनों ही चीज़ ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए और गुजिया गर्म गर्म इसमें डाल देनी चाहिए, जिससे कि गुजिया अच्छे से चाशनी में ऑब्जर्व हो जाए और टेस्ट उसका अच्छा है। तो ये हमने सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली और ये हमने होली के लिए स्टोर करके रख लिए हैं, क्योंकि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण गुजिया ही होती है होली पर, और सभी के यहाँ सबसे पहले गुजिया यही चलता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और आप अपनी रेसिपी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपकी वीडियो भी सभी लोगों को दिखाएंगे। धन्यवाद। तो आपको हमारी गुजिया की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और होली की हार्दिक शुभकामनाएं।